स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं गुरुग्राम केवीके में। हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक जी, राम सेवक जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां यूं तो हम अपने किसानों तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन केवीके के जरिए किसानों को क्या कुछ सुविधाएँ मिल सकती हैं या केवीके में किसानों के लिए किस तरह से तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो किसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज हम साइंस सर से ही बात करेंगे कि कौन सी तकनीक के जरिए आज पानी को शुद्ध किया जा रहा है और ये किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प भी साबित है। सर आप अपनी तकनीक के बारे में हमें बताएं। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आपको पता कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का है, ये आपके शिकोपुर गांव में स्थित है जी। और हमने यहाँ पर वर्षा जल संचयन एक तालाब बना रखा है। इस शिकोपुर गांव के दो तिहाई घरों का पानी और हमारे इस यहां पर इकट्ठा होता है और वो पानी इकट्ठा करने के लिए हमने पहले उसमें जाली लगाई है और जालियां लगाने से क्या होता है कि वहां पर जो मोटा मोटा कूड़ा करकट है या आपके प्लास्टिक की बोतलें हैं और लकड़ी हैं, उपले हैं, वो वहां रुक जाता है। फिर वो पानी हमारे आगे एक टैंक है, इसमें जाता है। इसमें कुछ मात्रा में पानी के साथ साथ और मिट्टी भी चली जाती है, उसका सैलिनाइजेशन होता है। जब पानी इसमें भर जाता है तो उसके बाद में पानी हमारा एक अलग दूसरे टैंक में जाता है। उसमें से जाने के बाद में हमने जो बड़ा वाला तालाब है वो तालाब हमने बनवाया, उसमें मिट्टी और मिट्टी के ऊपर हमने इसमें गिट्टी डाली है। जो ये प्रोसेस है आपका, इसके तहत जो जो पानी है सबसे पहले इसमें इकट्ठा होता है और इसमें पानी के साथ कुछ मिट्टी भी आ जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब मिट्टी ज़्यादा होती है तो इसको हम जो है निकलवा के इसको साफ करवाते हैं। तो जब इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इसमें से और लिफ्ट होकर पानी हमारा तालाब की तरफ जाता है। कभी कभी बारिश अचानक ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि ये टैंक फुल भर जाता है। तब हम वहाँ पर मोटर स्टार्ट करके इस पानी को लिफ्ट करते हैं और लिफ्ट करके और इस पाइप के जरिए और हम जो है बाहर कृषि विज्ञान केंद्र के बाहर एक नाला है उसमें हम जो है छोड़ देते हैं जी। और जब हमारा इस पानी इस टैंक में आता है तो इसमें टैंक में आने के बाद में और उधर से आपका यहाँ फिल्टर होते हुए और आप देखेंगे कि इधर आ जाता है। जब वर्षा का पानी इकट्ठा हो गए और हमारे इसमें टैंक में भर जाता है, इसमें से फिल्टर होने के बाद में उसमें डिफरेंट साइज की जालियां लगी हैं, उसमें फिल्टर होने के बाद में इस पाइप में आता है। इस पाइप में से फिल्टर होके और फिर यहाँ इकट्ठा होता है। ये तालाब है, इसमें तालाब में नीचे हमने मिट्टी लगाई, मिट्टी के ऊपर हमने गिट्टी डाली है, गिट्टी के ऊपर फिर हमने ये प्लांटेशन किया है। ये प्लांट्स क्या है कि जो इसमें हैवी मेटल होते हैं इसका एब्जॉर्प्शन करने के बाद में और पानी को उपचार ट्रीट करते हैं और ट्रीट होने के बाद में एकदम शुद्ध पानी और जो कि हमारी फसलों के लिए उपयुक्त है वो पानी आगे जो बड़े टैंक हैं उनमें इकट्ठा होता है और उस टैंक में से हम लिफ्ट करते हैं और हमारा डीजल इंजन है उसे लिफ्ट करके और स्प्रिंकलर के जरिए हम फसलों की अपनी सिंचाई के लिए इस पानी को हम उपयोग करते हैं। तो जो वर्षा का पानी है किसी भी तरह से हमारा पानी कहीं पर भी है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारा खेत में है चाहे हमारा घर में है, कहीं पर भी है, हम कहीं पर भी रहते हैं, पानी को जहाँ तक भी हो सके उसको संचयित करें और संचय करने के बाद उसका उचित उपयोग भी करना बहुत ज़रूरी है जी। तो सर इस तकनीक से जो ये आपने केवीके में इस तकनीक का इस्तेमाल किया हुआ है, किसानों को आप इस तकनीक से कैसे अवगत करा रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पर आए दिन किसान आते हैं, किसानों से संबंधित यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य काम ही किसानों को प्रशिक्षण देना है और जो हमारी तकनीकी है टेक्नोलॉजी है उसका किसानों के यहाँ जाके और प्रदर्शन करना है। तो किसान ये आज हमारा एक कार्यक्रम था अटल भूजल योजना के ऊपर और किसानों का यहाँ पर एक्सपोजर विजिट भी था, तो किसानों को हमने इसका विजिट कराया और विजिट कराने के बाद किसानों को इसके बारे में जानकारी दी। तो किसान देखते हैं, किसानों के पहले गांव में भी तालाब होते थे, अब तालाबों को जो दोबारा से खुदवाया जा रहा है, गाँव में जो भूजल है उसका वाटर टेबल जो काफ़ी नीचे जा चुका है तो उसको ऊपर करने के लिए और
बहुत सी तकनीकियाँ हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। उनमें से एक तकनीकी ये भी है कि हम अपने वर्षा जल को भी संचित करके और उसका उचित उपयोग फसलों में करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमें जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से हमें सर ने बताया कि वर्षा को संचित करके किसान किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं और एक बेहतरीन तकनीक यहाँ गुरुग्राम केवीके में किसानों के लिए लगाई गई है, प्रदर्शित की गई है, ताकि किसानों को इससे फ़ायदा मिल सके। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।